मैं स्कूल नहीं जा पाई थी तो स्कूल खुद ही मेरे पास आ गया था। वहाँ फीस नहीं जाती है इसलिए फायदा है, खाना मिलता है इसलिए फायदा है। इन मजबूत इरादों के साथ हंसते खिलखिलाते बच्चों का बचपन अनेक परेशानियों से गुजरता है। स्कूल पढ़ा था, फिर ना पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो पैसे नहीं हो पाए फीस के लिए, तो वहाँ पर सर ने नाम काट दिया था तो पढ़ाई मारी गई। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए अपने बच्चों को मुख्य स्कूली शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा प्रदान करना एक कड़ी चुनौती है। तो यहाँ से मेरे बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर तो लाए तो ये कई स्कूल में गए, एडमिशन ना हुआ। प्रतिदिन अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में जुटे इन अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2010 में सपनों की उड़ान योजना की शुरुआत की। यह योजना भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुँचाने के लिए बनाई गयी है। उत्तराखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर ध्यान देते हुए विशेष रूप से मोबाइल एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। मोबाइल एजुकेशन प्रोग्राम बटरफ्लाइज एनजीओ की मदद से इस वक्त उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षा से वंचित और स्कूल ड्रॉपआउट्स की पहचान की जाती है और उन्हें मोबाइल लर्निंग सेंटर से जोड़ा जाता है। मोबाइल सेंटर में इन बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए शैक्षिक रूप से तैयार कर उनका नामांकन विद्यालयों में कराया जाता है। इसके साथ साथ अभिभावकों और समुदाय को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वे बच्चों को स्कूल में टिके रहने के लिए उचित माहौल और सहयोग प्रदान कर सकें। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए बटरफ्लाइज एनजीओ के कार्यकर्ता समुदाय के लोगों से जाकर मिलते हैं। ऐसे परिवार जिनके बच्चों की जानकारी आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों में दर्ज नहीं होती, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में इन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। सपनों की उड़ान योजना के तहत पंजीकरण के बाद यह बच्चे मोबाइल सेंटर का हिस्सा बन जाते हैं। यह मोबाइल स्कूल एक बहुत ही रोचक बस के रूप में अलग अलग इलाकों में पहुंचती है, जो ऐसी जगह पर जाकर बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। इन मोबाइल केंद्रों में बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं। किताबें उताबे सब मिलती, टीवी भी सब दिखाते पढ़ाते भी थे। वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी, मैं रोज जाती थी, वहाँ से एक बुक निकालती थी और पढ़ती भी थी। वहाँ से अच्छी अच्छी कविता होती थी उसमें। सबसे अच्छा ये कि इसमें हर एक चीज, यानी कि टीवी भी थी, टेलीविजन कहते हैं जिससे, कंप्यूटर भी था सिखाने के लिए, और ये हमारे घर के पास आती थी और ये दीदी हमें बुलाने घर पे खुद आती थी कि बेटे चलो स्कूल का टाइम हो गया है। इन सब सुविधाओं के साथ बच्चों के समुचित विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खिलवाए जाते हैं। इन मोबाइल शिक्षा केंद्रों में बच्चों की समस्याओं को बच्चों की भागीदारी से ही सुलझाने के लिए हर महीने बाल सभा भी आयोजित की जाती है। बाल सभा में नेता बनना चाहता हूँ। आज की बाल सभा में आप सभी ने मुझे सचिव बनाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जाती है। सपनों की उड़ान योजना उत्तराखंड के हर गांव शहर में प्रत्येक बच्चे को औपचारिक शिक्षा से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। इस अभियान से स्थानीय स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। कॉलेज में पहुंच गई आज मैं, आज मैं स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ। बस में मैंने पढ़ा रहे तो इन्हीं को चलते एडमिशन हो गया, बस को चलते। ये मेरा 2 बच्चे 8 में है, 1 6 में है। इस सपनों की उड़ान के प्रोग्राम ने हमें एक सचमुच ही एक सपनों की उड़ान दी है। उनके अधूरे वजूद में रंग बिरंगे पैबंद सिल देना, अभावों से जूझते इन नन्हे सितारों को थाम उन्हें उनके ही वजूदों से रूबरू करा देना, उनके झिलमिलाते सपनों को बुनकर उनमें तितली से पंख लगा देना, बस इतना ही करते हैं हम हर रोज़।